तो हाल फिलहाल में दोस्तों कुछ न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन सभी सामने आ चुके हैं हीरो के ही अपकमिंग एक स्कूटर के बारे में। और ये जो स्कूटर है ना, तो ये है हीरो माइस्ट्रो जूम 110 या फिर हीरो जूम 110। तो ये वाला जो स्कूटर है ना, तो इसके ही बारे में भी कुछ न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन सभी सामने आए हैं। और वैसे ये जो स्कूटर है ना, तो ये अभी 2023 के ही 30 तारीख को लॉन्च होने वाला है जनवरी का। तो वीडियो को पूरा देखना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख ही लिए होंगे, वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बोल दिया कि ये जो हीरो माइस्ट्रो जूम 110 या फिर हीरो जूम 110 वाला जो ये स्कूटर है, तो इसका कुछ न्यू न्यू डिटेल्स अभी सामने आए हैं, जिसके अंदर अभी कुछ यही बोला जा रहा है कि ये जो स्कूटर है ना, तो इसका तीनों वेरियंट्स होने वाले हैं, जिसके अंदर एक आपको देखने को मिलेगा LX वाला वेरियंट, और एक आपको देखने को मिलेगा VX वाला वेरियंट, और एक आपको देखने को मिलेगा ZX वाला वेरियंट। और वैसे अभी के डेट में बोला कुछ ऐसा ही जा रहा है कि ये जो ZX वाला वेरियंट है ना, तो ये टॉप ऑफ द मॉडल होने वाला है, मतलब कि ये हीरो के ही ये जूम वाले स्कूटर के ही अंदर। और इसके अलावा देखो भाई, अभी के रेट में ना कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन ऐसा ही सामने आया है कि ये जो जूम वाला जो ये स्कूटर है, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जो मीटर कंसोल ना, तो ये भी एक पूरे ही तरीके से डिजिटल वाला देखने को मीलेगा, जिसके अंदर आपको ये ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर और फ्यूल गेज वगैरह ये तो सारा कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन उसके ही साथ साथ अभी एक्सपेक्ट कुछ ऐसा ही किया जा रहा है कि जो टर्न बाय टर्न नेविगेशन वाला जो फीचर है, और उसके ही साथ साथ जो फोन ऐप कनेक्टिविटी वाला जो फीचर है, तो वो कुछ देखने को मिलेगा। मतलब कि ये जो नोटिफिकेशन अलर्ट और जो फोन का और दूसरा जो अलर्ट है ना, तो वो आपको देखने को मिलेगा इस वाले स्कूटर के अंदर दिया हुआ। और वैसे इसके अलावा ये भी कुछ बोला जा रहा है कि ये जो स्कूटर है ना, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जो इंजन, तो इसके अंदर भी आपको मतलब ज्यादा कुछ उतना चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले हैं। मतलब कि देखने को मिलेगा इस वाले स्कूटर के अंदर जो इंजन, तो ये एक 110cc वाला सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैक्सिमम पावर जो है ना, तो वो 7 से लेके 8 BHP के अंदर अंदर का प्रोड्यूस करने वाला है। और उसके ही साथ साथ जो टॉर्क है ना, तो वो भी 8 से लेके 9 Nm के अंदर अंदर का जो है, तो वही प्रोड्यूस करने वाला है। बाकी तो भाई ऑटो ट्रांसमिशन दिया गया है। और इसके अलावा इस वाले स्कूटर के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो सस्पेंशन सेटअप, तो वो है इस वाले स्कूटर का सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और पीछे आपको देखने को मिलेगा कॉइल वाला हाइड्रोलिक शॉक। और इसके अलावा भाई इस वाले स्कूटर के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है ये जो लाइट्स का सेटअप ना, तो ये इस वाले स्कूटर का DRL से लेके, और इसके अलावा इस वाले स्कूटर का हेडलाइट और टेल लाइट जो है, तो वो आपको पूरे ही तरीके से LED के अंदर अंदर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा इस वाले स्कूटर के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो ब्रेकिंग सिस्टम ना, तो वो अभी के रेट में बहुत हद तक चांसेस कुछ ऐसा ही है कि ड्रम ब्रेक्स के अंदर अंदर जो इसका ब्रेक्स है, तो वो देखने को मिल जाए। वैसे हाँ, ये भी कुछ चांसेस है, अगर कंपनी चाहता है तो डिस्क ब्रेक भी दे सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि भाई ये 80 से लेके 90,000 के अंदर अंदर का ये स्कूटर के अंदर कुछ ऐसा वाला भी कुछ सीन होगा। और इसके अलावा देखो भाई, ये जो स्कूटर ना, तो ये जनवरी 2023 के ही 30 तारीख को लॉन्च होने वाला है। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल देना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप नया नया वीडियो हर दिन देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, फिर से मुलाकात होगा दोबारा। Thank you guys.